एक बड़ी पुरानी और माकूल कहावत है कि जान है तो जान है, लेकिन आज हम जिस तरह से विकास के रास्ते पर अग्रसर हैं, जिंदगी हाईटेक हो गई है, ऐसे में फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने इंडस्ट्री में दस्तक दी थी तो उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनकी चर्चा हुई थी। अगर हम अदनान सामी की बात करें तो माशाल्लाह उनका जो स्वास्थ्य था उसको आप कभी भूल नहीं सकते। ये अलग बात है कि आजकल वो बहुत ही दुबले पतले हो गए हैं। उसी तरह से भारती शुरुआती दौर में जितनी मोटी कही जाती थी, अब उस मात्रा में काफ़ी कमी आई है। और आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जो सोच के मामले में बहुत ही वीर हैं, और उनका नाम भी वीर है। और वीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी तारीफ की इंट्रोडक्शन के लिए। जी सर, बोलिए। आज जिस तरह से हम अपने हेल्थ को लेकर जागरूक हुए हैं, आपको लगता है कि वाकई उससे हमारा यूथ जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? अगर हम अदनान सामी की बात करें, भारती जी की बात करें, तो ये कैसे संभव हुआ? जी देख, क्या होता क्या है कि लोगों को पता नहीं है फिटनेस के बारे में, फिटनेस होती क्या है। लोग करते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और ही होता है। जैसे कि बताऊँ, जिम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और डेली भागना भी किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मेरे पास एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि ना भागना पड़ेगा ना ही दौड़ना पड़ेगा। हमारे पास कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर हम आए हैं, जो कि है वोकैबलरी, जिसकी मतलब हम बोलने से आवाज़ कम कर सकते हैं। कभी सोचा आपने कि बोलने से कभी आवाज़ वेट कम हो सकता है? नहीं, वो मैं कराता हूँ। लोग बोलते हैं कि हमसे मेहनत नहीं होती, ना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम पुशअप्स नहीं कर सकते, हम स्क्वाट्स नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास आइए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम खेल कूद में वज़न कम कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं भारती और अदनान सामी के पास लेके गया था, और रिजल्ट आपके सामने। अगर आज की तारीख की अगर हम बात करें तो तनाव में हर आदमी रहता है, तनाव से भी वज़न बढ़ता है क्या? जी बिल्कुल, तनाव से वज़न भी बढ़ता है और इंसान जल्दी बुढ़ापे में आता है। तो इंसान को तनाव कम लेना चाहिए, ताकि जो अपनी बिजी लाइफ है, क्या होता है कि आजकल के इंडिया के जो लोग होते हैं, इनके उसका भी संतुष्ट नहीं होता अपने काम से। मतलब महीने के पैसे कमाते 10,000 चल रहे हैं, साल भर तक ज़िंदगी काट रहे हैं। मैं कहता हूँ कि क्यों भागना है ज़िंदगी में। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में सुबह उठिए, फ्रेश हवा लीजिए, वॉक पे जाइए, आइए चाय पीजिए, ताकि दिमाग का जो तनाव है वो दूर हो। क्या होता है कि फ्रेश, जितना जितना ज़्यादा आप फ्रेश हो गए उतना ज़्यादा एक्टिव हो गए। आप मेरी स्किन देख सकते हो, मैं फ्रेश क्यों हूँ? क्यों आई यूज़ टू एक्सरसाइज फॉर मोर देन 20 आवर्स इन अ डे, बिकॉज मेरी इतनी क्लासेस होती हैं, मेरे वर्कआउट्स होते हैं, तो मैं दिन में 20 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं इसलिए इतना फ्रेश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 20 घंटे मत कीजिए, लेकिन सुबह उठ के 20 मिनट जो मैं बताता हूँ वो करेंगे तो शायद आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, हो सकता है तो ऑन द स्पॉट मिल सकता है। तो चाहता हूँ कि आप लोग सब करें एक्सरसाइज जो मैं आगे लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों में। वीर, आज हर कोई बीपी से परेशान है, शुगर से परेशान है, उसके लिए कुछ बताएंगे, टिप्स देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा उस चीज़ के लिए कि इंसान को जितने भी कार्ब्स की चीज़ें होती हैं, फैट्स होता है, बेकरीज आइटम होते हैं, ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में कैलरीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप भी कंज्यूम करते हो एक्स्ट्रा लेवल पे, एक्सीज लेवल पे, तो आप लोग इन बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है, इन सब बीमारियों के आदि हो जाते हो। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उन लोगों को क्या कहेंगे जो पॉलिटिक्स में है, बहुत मोटे हैं? जी, उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहता हूँ, और ये मैं चाहता हूँ, मेरी दिले तमन्ना है मैं इस चैनल के थ्रू, कि मैं जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे भारत देश के, मैं उन सबको एक दिन इकट्ठा करना चाहता हूँ, और उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिशियन कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए, जिनसे उनका वेट लूज होगा और सब एक साथ इकट्ठे होंगे, तभी देश का विकास हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये मैं चाहता हूँ। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आपका विकास होता है तभी देश का विकास हो सकता है, क्योंकि आप सोचने के मामले में और तेज़ तर्रार हो सकते हैं। और जिस तरह से वीर की यात्रा है, उसमें कहा जा सकता है कि वाकई इनकी जो सोच है उसमें कुछ नयापन है, और नयापन ने हमेशा ही ज़माने को लुभाया है। कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ अवनींद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई।